का पता हो कि हम हैं, पता चले कि कैसे मालूम कि हम किस तरह का हैं। यहाँ पे खड़े होना, बड़े बड़े की टांगें काम करती हैं और बड़े बड़े पेपर जो है राज्य है बच्चे में वो बोल नहीं सकती। जब बच्चे शुरू से ये सीखेंगे तो आगे बढ़कर कई बातों से लाभ करें, मतलब कि शादी भी याद करेंगे और डाक भी पेश करेंगे, उनका हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ये कार्य महबूब तशरीफ लाए, किस शाम को तशरीफ लाए, जब अपना बादशाह लश्कर लेकर मक्का को मिटाने आया था, खाना काबा को मिटाने आया था, अब वो खड़ा हो गया, तबाह हो गया, तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला के कार्य महबूब तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब के आने से, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब के आने से गुलामों को निजात मिल गई। औरत इस पर गुलाम और ज्यादती होती थी, जिसको तीसरी नस्ल समझा जाता था और उसके हक को दबाया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब के आने से औरतों को वो मकाम मिला कि औरत माँ के रूप में एक माँ के कंधों तले जाता है और बहन के रूप में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शान बढ़ाई और बेटी के रूप में जब लोग अपनी बेटियाँ जिंदा दफन कर देते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद बनाए, तो फिर ये किसी को जरूरत ना हुई कि अपनी जो पैदा की हुई बेटी है उसको जिंदा दफन। ये शान है हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं दावा देता हूँ, एक का मतलब शराफा है, ज़्यादा नहीं दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे महबूब की शान है।